फ्यूचर में ये चांसेस हैं कि आप क्या होगा? देखिए मैं क्या बोला कि मैं कल कभी नहीं सोचा, मैं आज में जीता हूँ। आज मेरे पास जो है आज ही मेरे पास है, ये कल होगा कि नहीं मुझे खुद ही पता नहीं। इंटरेस्ट है अगर ऑफर आता है? इंटरेस्ट बिल्कुल, राजनीति से तो मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर की पंचायती नहीं कर पाता। मेहरारू रुस जाती है तो 6-7 दिन मनाने में लगता है, तो बताइए जब घर की पंचायती नहीं हो पाता है तो देश की पंचायती हम कहाँ से कर पाएंगे। आपके सारे जितने भाई हैं, रवि किशन जी हो गए, मनोज तिवारी जी हो गए, निरहुआ जी हो गए, पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हुई और अच्छा काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपको भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए? मेरी उम्र ही क्या है, 30-32 साल नहीं है। हाँ, तो अमिताभ बच्चन अभी काम कर रहे हैं। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, तो मुझे बच्चन साहब की तरह चलाना है अपने जीवन को। मैं देखिए मैं तो मतलब फ्यूचर में ये चांसेस हैं कि आप क्या होगा? देखिए मैं क्या बोला कि मैं कल कभी नहीं सोचा, मैं आज में जीता हूँ। आज मेरे पास जो है आज ही मेरे पास है, ये कल होगा कि नहीं मुझे खुद ही पता नहीं। इंटरेस्ट है अगर ऑफर आता है? इंटरेस्ट बिल्कुल, राजनीति से तो मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर की पंचायती नहीं कर पाता। मेहरारू रुस जाती है तो 6-7 दिन मनाने में लगता है, तो बताइए जब घर की पंचायती नहीं हो पाता है तो देश की पंचायती हम कहाँ से कर पाएंगे। हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं, कलाकार आदमी हैं, हमारे दिमाग में संगीत रहता है, हमारे दिमाग में संगीत की बातें रहती है, हमारे दिमाग में डांस होता है, गाने होते हैं, कला होता है, तो कला से जुड़े हुए हर वो आदमी जो होता है ना वो पॉलिटिकल हो ही नहीं सकता। और वो पॉलिटिकल अगर कर रहा है तो समझ लीजिए वो कलाकार अपने कला को कहीं ना कहीं मार के कर रहा है। तो मेरे जितने भी भाई हैं, मेरे हमेशा शुभकामना उनके लिए रहा है, और मैं कोशिश भी करता हूं कि उनके लिए जहां जरूरत मेरी पड़े मैं उनके लिए खड़ा रहूं और उनका सेवा करूं, वो दुनिया का सेवा करेंगे। ईयर पीस पहनते हैं आप कानों में? इयररिंग जो पहनते हैं ना, बचपन से पहन रहे हैं या फिर शौक है? नहीं, बाद में जब आया तो सब देखा, तो बम्बे में आया तो देखा सब छिदवाया हुआ है, तो हम भी अपना बोले कि मारे गन से हम भी लगवा लिए अपना कि भाई शौक है। तो उस समय देखिए होता क्या है ना कि देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप होता है, तो हम देखे तो लगा कि कान में अच्छा लगता है भाई, तो हम भी अपना करवा लिए कि ना हम भी करवा लेते हैं, शायद मेरे में भी अच्छा लगेगा, और वो चीजें हो गई। आपको क्योंकि बहुत सारे एक्ट्रेस के साथ आपने काम किया है, मेल एक्टर के साथ भी आपने डुएट किया हुआ है, तो किसी एक को स्टार का जिक्र करो जिनके साथ आपको सबसे बढ़िया लगा। अब यहाँ पे पॉलिटिकली ये करेक्ट मत कीजिएगा कि सबके साथ ही काम करना, कोई तो एक होगा ना जो बहुत अच्छा लगा होगा जिनके साथ काम करने में आपको। स्मृति सिन्हा। स्मृति? हाँ, स्मृति सिन्हा के साथ मेरे जीवन की शुरुआत हुई, और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और उनके साथ मैंने जब भी काम किया लोगों की नजर में हमारी और उनकी जो एक करेक्टर हुई, एक पति पत्नी वाली फीलिंग जो होती है वो लोगों को समझ में आया, क्योंकि शुरू से मैंने उनके साथ 14-15 फिल्में की लगातार, और स्मृति बहुत अच्छी समझदार एक्टर हैं वो।